गुड मॉर्निंग टू आर स्टूडेंट्स, आइए क्लास 8 का संस्कृत भारती भाग 4 का टेंथ चैप्टर पढ़ाते हैं। केवलम कल्पितम सुखम, केवल कल्पना करने वाला सुख। एक भिक्षुक आसीत, एक भिक्षुक था। स प्रतिदिनम भिक्षाटनम करोति, वह प्रतिदिन भिक्षा मांगने का कार्य करता था। भिक्षया संचितेन धनेन स गोधूम चूर्णम क्रीडति अस्मि, भिक्षा के द्वारा एकत्रित धन से वह गेहूं का चूर्ण खरीदता था। स अतीव कृपणा आसीत, वह बहुत कंजूस था। अतः तत् चूर्णम अभुक्त्वा एकस्मिन् वित्त घंटे संचिनोति अस्मि, अतः उस चूर्ण को न खा करके एक घड़े में संचित करता था। ऐसा घटा तस्य सैया पार्श्वे कस्मिन् नागदन्ते लम्बमान आसीत, यह घड़ा उसके सैया मतलब खाट के पास में एक खूंटी पर टांगा हुआ था। एकदा स सैयां लंबायमान अचिंतयत, एक बार वह खाट पर सोया हुआ सोच रहा था। शीघ्रमेव गोधूम चूर्णेन अहम घटम पुरिष्यामि, शीघ्र ही गेहूं के चूर्ण से मेरा घड़ा पूरा हो जाएगा। चूर्ण पूरितम घटम हटम नेष्यामि, गेहूं का चूर्ण पूरी तरह से इससे गेहूं के चूर्ण से पूरी तरह से घर भर जाएगा, उसे हटम बाजार ले जाऊंगा। तत्र संपूर्ण चूर्ण विक्रेष्यामि, उस चूर्ण संपूर्ण चूर्ण को बेचूंगा। तेन प्रभुतम धनम आगमिष्यति, उससे बहुत सारा धन आएगा। तेन धने एकाम धेनुम क्रेष्यामि, उस धन से एक गाय खरीदूंगा। धेनु पर्याप्त दुग्धम भविष्यति, उस गाय से पर्याप्त दूध होगा। दुग्धस्य बिंदुमाप बिना मूल्येन कस्य अपि न दास्यामि, दूध को बिंदुमाप थोड़ा सा भी बिना मूल्य के किसी को नहीं दूंगा। सर्वं दुग्धं विक्रेष्यामि, सभी दूध को बेचूंगा। दुग्धस्य विक्रयेण यत् धनम् आगमिष्यति तेन एकं सुन्दरं भवनं निर्मास्यामि, दूध बेचने से जो धन आएगा उसी से एक सुंदर भवन का निर्माण करूंगा। ततः विवाहम करिष्यामि, तब विवाह करूंगा। सुखेन निवस्यामि, सुखपूर्वक रहूं निवास करूंगा। भिक्षुक अग्रे अचिंतयत, भिक्षुक जो है आगे सोचता है। कदाचित मम भार्या स्वपितृगृहं गन्तुं वदिष्यति, कदाचित कभी मेरी पत्नी अपने पिता के घर
जाने के लिए बोलेगी, अहम निषेधम करिष्यामि, मैं नहीं मना या रोक दूंगा, करिष्यामि निषेध कर दूंगा। साधिकम अनुनयम करिष्यति, वह अधिक प्रार्थना करेगी। वारम वारम तदर्थ पदिष्यति, बार बार वही बोलेगी। अहम क्रुद्ध भविष्यामि, मैं क्रोधित होऊंगा, क्रोधित अहम ताम आबाध्याम पत्नी पादेन ताड़स्यामि, क्रोध क्रोध में मैं उसके बात न मानने पर पत्नी को पैर से मारूंगा। एवं विचिंतन सह भिक्षुक तत् चूर्णपूरित घट में पादेन अताड़यत्। फिर सोचते सोचते सह मतलब सह भिक्षुक उस भिक्षुक का तत् चूर्णपूरित घट में वह चूर्ण से पूरा हुआ भरा हुआ घड़ा पैर से लग गया। मृदघट भग्न गोधूम चूर्ण च भूमो विक्षिप्तम, माटी से बना घड़ा टूट गया और गोधूम चूर्ण गेहूं का चूर्ण भी भूमि पर भूम विक्षिप्तम भूमि पर फैल गया गिर गया। काल्पनिकस्य सुखस्य मूलमेव नष्टम, और कल्पना किया हुआ सुख मूल रूप से नष्ट हो गया। एवमेव निर्दमस्य जनस्य केवलम कल्पितम सुखम दुखाय एव भवत्। इस प्रकार आलसी लोग केवल कल्पना करते हैं सुख और दुख के होने का। उक्तम ही सही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याण्य मनोरथ है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, कार्याण्य मनोरथ है। कार्य सिर्फ सोचने से नहीं होता है और कार्य सोचने से नहीं होता है। पंचतंत्रम की कथा पर आधारित है और ये केवलम कल्पितम सुखम पंचतंत्रम की कथा पर आधारित है। तो बच्चों, आज यहाँ पर ये लेसन समाप्त होता है, आगे अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे।